हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज हम एक डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक थी। आप सब लोग बोल रहे थे कि मैम PYQ डिस्कस कर दीजिए, PYQ बता दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो आज हम 2023 के ही क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि BSc थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है या थर्ड सेमेस्टर का PYQ है। जो एग्ज़ाम 2023 में हुए हैं वही का ये क्वेश्चन पेपर है। और इस वीडियो में हम ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसके पैटर्न्स को आपको बताएंगे, और दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उनके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जाएगा कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो पर मिलेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो 3 सेक्शंस में है। फर्स्ट सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 10 क्वेश्चंस है। एक मिनट, यहाँ पे जो है क्वेश्चन का नंबर जो है वो 10 है। ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स, मतलब आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ईच जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के हैं। 10 क्वेश्चन है और आपको कम्प्लीटली 20 मार्क्स इससे मिलेंगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन ऑप्शन जो सेक्शन बी है, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली जो है कि क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और आपको अप्रॉक्सीमेटली 7 to 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन जो है उसके 7 मार्क्स होंगे और यहाँ पे आपको 35 मार्क्स ऑप्टेन होंगे। नेक्स्ट में पार्ट सी में आपको जो है 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से आपको किसी 2 क्वेश्चन को अटेंड करना है, और ईच क्वेश्चन में आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, और इस तरीके से 20 नंबर यहाँ से, 35 मार्क्स वहाँ से, और 20 मार्क्स वहाँ से मिलेंगे, और आपको कम्प्लीट जो है 75 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट में क्या देखते हैं जो है कि ये आपके जो है 10 क्वेश्चंस है जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में दिए गए थे। सबसे पहले दिया गया है पोलिनियम क्या है, नेक्स्ट में क्या दिया है इन्फीरियर ओवरी क्या है, थर्ड में पोलन ग्रेन दिया है, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम दिया है, पाई चार्ट, गाइनोबेसिक स्टाइल, प्लेसेंटेशन, साइथियम इन्फ्लोरसेंस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये कंप्लीट 10 क्वेश्चन है। एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। तो सबसे पहले पोलिनियम दिया है कि व्हाट इज़ द पोलिनियम। आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है, प्रॉपर टाइम को मैनेज करके, प्रॉपर पेज को मैनेज करके आपको चीज़ें लिखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है कि आपको बी कॉपी नहीं मिलती, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में बी कॉपी नहीं मिलती है। तो आपको ए कॉपी में पहले से ही चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना है कि ऐसा नहीं कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपने एक एक पेज लिख दिया और जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे उसको भी एक ही पेज में लिख दिया। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, पेपर का मैनेजमेंट करते हैं, तो आपके नंबर कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोलिनियम क्या है। तो पोलिनियम क्या है, ये कॉम्पैक्ट क्या कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत कुछ स्पीसीज, जैसे कि आपकी जो आपने अगर फ्लावर देखा होगा किसका, मनार का, जैसे कैलोट्रॉपिस कहते हैं, कैलोट्रॉपिस का अगर फ्लावर आपने देखा होगा तो वहाँ पे जो स्टेमन, वहाँ पे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पोलिनियम फॉर्म में होते हैं, कुछ नहीं होता है, कुछ अलग से, बहुत अलग से चीज़ें नहीं है। यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं वो इस तरीके से एक मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि इनका जो अडहेशन हो सके, या फिर ये किसी भी इंसेक्ट से अटैच होकर काफ़ी दूर तक जा सके। इनके पास ये फ्लोटिंग विंग्स होती हैं, और यहाँ पर ये जो पोलिनियम है इसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर ये जो है इनका हेड होता है जिसकी वजह से, जहाँ से ये अटैच्ड होते हैं। तो ये एक मॉडिफिकेशन है पोलन ग्रेन का जो कि कैलोट्रॉपिस वगैरह में देखने को मिलता है। ये मेन फीचर्स है कैलोट्रॉपिस का, आप वहां उसके फ्लावर में आसानी से चीजों को देख सकते हैं। और अगर आपका ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको बस ये लिखना है कि ये मॉडिफिकेशन है पोलन ग्रेन का, यहां पे जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है पोलन ग्रेन के, और ये इनके एडहेशन में हेल्प करता है, ये मेनली फीचर है कैलोट्रॉपिस का, और ये फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो इतना आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इनफ है। अगर आप कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आपके लिए इनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन्फीरियर ओवरी क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके जो है फैमिली वाले टॉपिक से आया है, जहां पे हमने फैमिली पढ़ी थी। तो यहां पे आपको क्या दिया है कि व्हाट इज जो है कि इन्फीरियर ओवरी क्या होता है। तो सबसे पहले बात कि हमने जब पढ़ा था कुछ फैमिली, हमने आपके चैनल पे पोस्ट किए हैं, हालांकि हमने आपके थर्ड सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसको कंप्लीट नहीं कराया है, लेकिन फिर भी जितने भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाए, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हो तो आपका एक मेजर पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया, इन्फीरियर ओवरी क्या होती है। तो देखिए, किसी भी PYQ को डिस्कस करने से या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का जो तरीका होता है ये होता है, जैसे कि आपको इन्फीरियर ओवरी दिया है तो भी नेक्स्ट ईयर चांसेस हैं कि वो जो है सुपीरियर ओवरी या फिर सुपीरियर ओवरी दे दे या फिर पेरिगाइनस ओवरी के बारे में दे दे, या जैसे हम लोग कहते हैं कि ये जो है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसके सराउंडिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रखनी है। तो इन्फीरियर ओवरी क्या होता है, यहाँ पे देखिए इन्फीरियर ओवरी का मतलब क्या है,
कि जब जो आपकी गाइनोसियम है, जो आपका क्या है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसके जो है कि इन्फीरियर, उसके सारी चीज़ें जो है उसके नीचे प्रेजेंट होती हैं, एपी गाइनस कंडीशन जब होती है, जब सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, सॉरी जब सारी चीज़ें इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, तो वो कंडीशन कहलाती है कि ये इन्फीरियर ओवरी है। उसी तरीके से पेरीगाइनस और सुपीरियर ओवरी भी होती है। नेक्स्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है, आपको नेक्स्ट में पढ़ा है क्या, नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन क्या दिया है पोलन ग्रेन्स के बारे में। पोलन ग्रेन्स का क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपको लिखना है कि व्हाट इज पोलन ग्रेन्स। तो पोलन ग्रेन क्या होता है एंजियोस्पर्म्स में, पोलन ग्रेन क्या होता है मेल गैमेट्स होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि ये क्या करता है, ये मेल गैमेट मतलब कि एक मेल गैमेट की तरफ, ये एक प्लांट का मेल गैमेट होता है, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देना है कि इसके जो बाहर कवरिंग होती है वो एक्जाइन होती है, इंटर कवरिंग जो होती है एंटाइन होती है, और एक्जाइन जो होती है वो पेप्टिडोसेलुलोज की बनी होती है, और ये अंडा मतलब कि ये क्या होती है डाइजेस्ट मतलब कि किसी भी चीज़ से ब्रेक नहीं होती है, और आपके सेंटर में क्या है ये एंटाइन होती है, नेक्स्ट में ट्यूब सेल्स होती हैं, जर्म पोर्स होते हैं जहाँ से कि जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है कि फर्टिलाइजेशन के टाइम यहीं से जो है न्यूक्लियस जो है इंसर्ट करता है फीमेल में, तो फीमेल के जो है कि ओवम में। तो ये सारी चीज़ें पोलन ग्रेन के बारे में आपको लिखनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम देखना है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि व्हाट इज़ द बाइनरी नंबर सिस्टम, और किस तरीके से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को कैलकुलेट करते हैं, तो इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ये एक प्रकार की कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। जो भी हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में इनपुट करते हैं वो एक बाइनरी फॉर्म के लैंग्वेज के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसके बाद डाटा जो है हमारे कंप्यूटर में, हमारे सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है, इसका नाम बाइनरी का मतलब होता है द्विनाम। द्विनाम का मतलब कि यहां पे सिर्फ दो नंबर यूज होते हैं, फर्स्ट नंबर क्या हो गया जीरो और सेकंड नंबर क्या हो गया वन, दो नंबर यूज होते हैं जीरो और वन। आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देते हो तो वो जीरो और वन के फॉर्म में स्टोर होती है। तो किस तरीके से हम डेसिबल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर बाइनरी नंबर को किस तरीके से डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग यहां पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है कि ये कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पे सिर्फ दो नंबर यूज किए जाते हैं, डेसिमल कन्वर्ट इनटू बाइनरी नंबर एंड देन डाटा स्टोर इन द कंप्यूटर। और दूसरी बात, एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया है 1, 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है, यहाँ पे 20 जो है वो एक नंबर है जिसको हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या किया गया है, सबसे पहले 20 का जो है इस तरीके से हमने दोनों साइड एक लाइन ड्रॉ की, इधर भी और इधर भी, और सबसे पहले कोई भी नंबर रहेगा उसको आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में दो नंबर्स होते हैं और आपको चीज़ों को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करता है तो क्या करना है, आपको 2 से डिवाइड करना है, 10 आ जाएगा। जब यहाँ पे कोई भी चीज़ें सेस नहीं बचेंगे, कोई भी सेसफल नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे हम लोग 0 लिख देंगे। उसके बाद सेकंड में क्या है, 10 है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, तो फिर भी कुछ भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। नेक्स्ट में क्या है, 2, 2 जा 4 होता है, यहाँ पे 1 जो है वो सेसफल में बन जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद 2, 2 जा 1 हो जाता है, मतलब कि 2, 2 जा 2 हो जाता है, तो यहाँ पे भी कोई भी चीज़ नहीं बचेगी, तो हम लोग इसको 0 लिखेंगे। अब हम लोग इसको इस तरीके से पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको हम लोग बाइनरी फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो बाइनरी फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो नीचे चीज़ें बची होती है उसको लिखना होता है, तो 1 लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये 0 है तो 0, फिर इसके बाद आपका क्या है 1 है, उसके बाद 0 है तो 0 लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट में 0 है तो 0 लिखेंगे, उसके बाद चीज़ों को ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 2, ठीक है। तो ये तो तरीका होगा कि आप डेसिबल को किस तरीके से, आप डेसिबल को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ जो है कि बाइनरी। नेक्स्ट में अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि 40 को आपको करना है, तो 40 को करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2, 2 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कोई भी चीज़ें सेस नहीं बचेंगी तो 0 लिख देंगे। नेक्स्ट में क्या है, 2 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, फिर भी कोई भी चीजें सेस नहीं बचेंगी तो यहाँ पे भी 0 लिख देंगे। उसके बाद 2, 5 जा 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 बचेगा तो 0 लिख देंगे। उसके बाद 2, 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा, फिर 2, 2 जा 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी कोई भी चीजें नहीं बचेंगी। अब हमको इसको किस तरीके से लिखना है कि 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 0 लिखना है, और इसके इस तरीके से हमको क्या करना है, 2 कर देना है। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि हमने एक डेसिबल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था
इस तरीके से, मान लीजिए कि इस बार पूछा गया है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में कोई नंबर दे दे और उसको आपको डेसिबल से बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन की। तो अगर आपको सिर्फ थ्योरिटिकल लिखना है पोर्शन, तो आप बस इतना लिखेंगे कि जो बाइनरी नंबर होता है ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम कंप्यूटर में देते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में सिक्योर होती है, वहाँ पर उस फॉर्म में सेफ होती है। ये जो होती है दो नंबर इसमें होते हैं, जीरो और वन होता है, किस तरीके से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं अगर आप ये भी एग्जाम में एक्सप्लेन कर देते हो तो दैट इज़ अ मोर देन इनफ। और अगर हम आपको बताएं कि इसको हम लोग अगर मान लीजिए कि इस फॉर्म में से इस फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अगर बाइनरी फॉर्म से हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी नंबर है, जैसे हमारे पास नंबर क्या है 101000, इस तरीके से हमारे पास नंबर है, तो इस नंबर को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है वन लिखेंगे, मतलब 2 के पावर 1 लिखेंगे, यहाँ 2 के पावर हम लोग क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 के पावर 5 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग 2 के पावर 6 लिखेंगे, ठीक है। तो अब जहां जहां पे 0 है वहां वहां को हम लोग कट कर देंगे, मतलब कि जहां जहां पे 0 है वहां पे, तो अगर इसको हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी नंबर नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या बचा 2 के पावर 6 बचा और यहाँ पे 2 के पावर 4 बचा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि 2 2 4 8, 2 4 8 16 और यहाँ पे 32 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2 2 4 2 8 2 16 16 और 32 यहाँ पे हमारे पास आएगा, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। तो ये वाला आप थोड़ा सा कन्फ्यूजनिंग अगर लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, आप लोग बस जो है कि किस तरीके से डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं सिर्फ उतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट में आपको क्या देखना है, नेक्स्ट में आपको देखना है क्या है, पाई चार्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी कि व्हाट इज़ द पाई चार्ट। पाई चार्ट है तो पाई चार्ट क्या होता है, ये एक प्रकार की आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, मतलब आपने कोई भी जो रिसर्च किया, कोई भी आपने डाटा कलेक्ट किया तो उसको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना हो तो वो पाई चार्ट के थ्रू आप दे सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत जगह पर देखा कि जब कोई जनगणना होती है तो इस तरीके से एक चार्ट बना देते हैं, बोल देते हैं कितना परसेंटेज जो है साक्षरता दर है, मतलब कि मान लीजिए ऐसे बता दिया जाता है कि इस तरीके से बताया जाता है कि इस कंट्री में जो है इतनी परसेंटेज जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, इतने परसेंट लोग जो हैं वो नहीं पढ़े लिखे हैं, इतने परसेंट लोगों की मैरिज हुई है, इतने परसेंटेज लोगों की मैरिज हुई, तो इस तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से एक सर्कल चार्ट बनाते हैं और उसमें अलग अलग खाने बनाते हैं और उससे रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ के जो पॉपुलेशन है या फिर यहाँ की जो भी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर देनी है। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में जो है कि आपकी क्लास का ये पाई चार्ट है और आपकी क्लास में क्या है 50 जो है बॉयज़ है और जो है कि आपकी क्लास में 50 गर्ल्स है, मान लीजिए किस तरीके से 50 बॉयज़ है 50 गर्ल्स है, तो आप क्या करेंगे सिंपल से ऐसे ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 50 बॉयज़ और यहाँ पे लिख देंगे 50 गर्ल्स। मान लीजिए कि आपको एक और चार्ट बनाना है और आपको उसमें रिप्रेजेंट करना है कि आपकी क्लास में 25 बच्चे जो हैं वो मैथ्स लिए हैं, 25 बच्चे जो हैं वो मैथ्स की क्लास में बैठे हैं, 25 जो है वो केमिस्ट्री उनका फेवरेट है और 25 जो है वो जो है कि बायोलॉजी उनका फेवरेट है और मान लीजिए कि 25 ऐसे हैं जिनका फिजिक्स फेवरेट है, इस तरीके से 100 बच्चों का ग्रुप है उसमें से इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो नॉर्मली से आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और आपके जो इन्फॉर्मेशन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4, तो 25 25 25 25, इसमें मान लो बायो हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और यहाँ पे क्या हो गया फिजिक्स हो गया। तो इस तरीके से हम चार्ट के फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं अपने इन्फॉर्मेशन को तो वो जो चार्ट होता है उसको कहते हैं पाई चार्ट, मतलब आप बस इतना लिख सकते हैं कि वन वे इट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन दैट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ दैट, आप एक फिगर ड्रा कर सकते हैं पाई चार्ट का और ये चीज़ें आप वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि वॉट इज द गाइनो बेसिक स्टाइल, ये एक प्रकार की मॉडिफिकेशन होती है स्टाइल की, मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरी की एक प्रकार की मॉडिफिकेशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्टाइल है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गाइनोशियम के बेसिक पार्ट से होता है, गाइनो बेसिक स्टाइल, स्टाइल का मतलब स्टिग्मा स्टाइल वाला स्टाइल, एक पार्ट ऑफ द जो है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक पार्ट एक हिस्सा होता है, गाइनो का मतलब गाइनोशियम, बेसिक का मतलब बेस से, जब गाइनोशियम के बेस से स्टाइल डेवलप होता तो उसको कहते हैं कि ये गाइनो बेसिक स्टाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका गाइनोशियम है, इसके बेस से स्टाइल का
डेवलपमेंट हुआ तो ये कहलाता है गायनोबेसिक स्टाइल। ये मेन फीचर है लैमिएशी या जिसे लैबिएटी फैमिली कहते हैं, उसका ये मेन रिप्रेजेंटेटिव फीचर है। और इसे क्या ये एग्जाम्पल अगर आपको देना तो साल्विया और ऑसिमम, ऑसिमम जिसे हम तुलसी कहते हैं वही उसके अंदर गायनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलता है। नेक्स्ट में क्या है, प्लेसेंटेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है कि व्हाट इज द प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन इज अ टाइप ऑफ द अरेंजमेंट या टाइप ऑफ द अरेंजमेंट बिटवीन द ओव्यूल एंड द ओवरी वॉल। ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू ओवरी वॉल से अटैच होती है। जैसे कि हमारे में क्या होता है कि बेबी जो है वो एम्ब्रिलिकल कॉर्ड द्वारा फीमेल प्लेसेंटा से अटैच होता है, उसी तरीके से हम जो फ्लावर होते हैं ये मान लो कि उनका प्लेसेंटेशन है, प्लेसेंटेशन जो है प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा के थ्रू ये क्या करते हैं ओवरी वॉल, ये क्या है हमारी ओवरी की वॉल है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू जो है ये ओव्यूल इससे अटैच्ड होता है, और इनका जो अटैचमेंट का जो तरीका होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद द ओवरी वॉल इज कॉल्ड द प्लेसेंटेशन। डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में पाए जाते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन जैसे मटर वगैरह में आप जब छिलते हैं तो देखते हैं कि एक मार्जिन पे एक किनारे सारे जो है सीड जो है लगे होते हैं, तो ऐसे प्लेसेंटेशन को कहते हैं ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। पैराइटल प्लेसेंटेशन जैसे कि आपने अगर खीरा वगैरह को इस तरीके से हॉरिजेंटली कट किया हुआ तो आपने देखा होगा कि जो सीड्स होते हैं वो किनारे किनारे लगे होते हैं और एक ऐसे शेप बना होता है, तो उस टाइप का जो प्लेसेंटेशन है तो उसको कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन जैसे नींबू वगैरह में हमने देखा है तो हर जो जब आप नींबू को छीलते हैं तो उसमें अलग अलग जो है कि कलियां निकलती हैं, अलग अलग जो है कि हिस्से निकलते हैं, और हर हिस्से के अंदर अंदर क्या होते हैं सीड होते हैं, मतलब कि इनके बीच में एक एग्जाइल मतलब एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, उस टाइप का जो प्लेसेंटेशन होता है उसको कहते हैं ये एग्जाइल प्लेसेंटेशन है। उसके बाद फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन मतलब आप जब बीच में से कट करके देखते हैं तो आपको फ्री सेंट्रली सेंट्रल में लोकेटेड प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, तो वो फ्री प्लेसेंटेशन रहता है। बेसल जब आप कट करते हैं ऊपर से तो आपको प्लेसेंटेशन नहीं दिखता, सिर्फ सीड दिखता है कि वो नीचे से जुड़ा होता है, तो उस तरह का प्रेजेंटेशन जो है कि बेसल कहलाता है, और सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो ये हो गया प्रेजेंटेशन के बारे में। साइथियम इनफ्लोरेसेंस ये एक स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन है इन द फ्लावर, ये मिलता है यूफोरबिएसी फैमिली के फ्लावर्स में। यूफोरबिएसी जिसे हम लोग रेड़ कहते हैं, हमारे नॉर्मली खेतों में इधर उधर आपको ये प्लांट देखने को मिलता है। यूफोरबिएसी मेंबर का ये मेनली प्लांट होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रैक्ट होती है वो इस तरीके से मॉडिफाइड होकर कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और इसमें बहुत सारे जो है मेल्स जो है छोटे साइज के स्मॉल जो है मेल जो है कि क्या कहते हैं एंडोशियम होते हैं, और बीच में एक सेंट्रल जो है फीमेल्स होते हैं, फीमेल जो है स्ट्रक्चर होता है, और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये एक स्पेशल टाइप का मॉडिफिकेशन है, और ये साइमोज इन्फ्लोरेसेंस का ही एक टाइप है, तो जिसे हम लोग साइथियम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्लाइड बना सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ तो ये जो पीपीटी मैंने बनाई है विद द हेल्प ऑफ द पावर पॉइंट बनाई है। यहाँ पे आप चीजों को टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, वहां पे आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर वी कैन क्रिएट आवर प्रेजेंटेशन एंड रिप्रेजेंट आवर थिंग्स, या फिर स्लाइड वगैरह का बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के बारे में दिया है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन क्या है कि किस तरीके से सेपल और पेटल का अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन डिफरेंट टाइप के होते हैं, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन उसे कहते हैं कि जब सेपल या पेटल का कोई भी डिफाइंड अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है, वो अनडिफाइनली अरेंज होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ द एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन जो कि 2-2 मार्क्स का था, और इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा टफ है, थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ने की जरूरत है, बाकी सारे तो इजी हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेक्शन बी है जहाँ से हमको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, वो कि एक को क्वेश्चन 7 मार्क्स का है, हमको उसके बारे में देखना है। दे आर गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ICBN, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनकल्चर, इसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है, किस तरीके से हम यहाँ पे नाम देते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन के क्या क्या रूल्स होते हैं, हम चीज़ों को कैसे वैलिड पब्लिकेशन कर सकते हैं, कैसे ऑथराइजेशन कर सकते हैं, ये सारी के सारे वीडियो चैनल पर पब्लिश है, आप वहाँ पर जाके अगर आपने वो
वीडियो देखिए तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, बेंथम एंड हुगर का क्लासिफिकेशन दिया और उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को बताने के लिए कहा गया, तो ये भी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। बेंथम एंड हुगर की जो क्लासिफिकेशन थी, किस तरीके से उन्होंने जिम्नोस्पर्म को डाइकोटिलेडंस और मोनोकोटिलेडंस के सेंटर में प्लेस किया था, जो कि इनका मेन ड्रॉबैक था, किस तरीके से इनके क्या क्या बेनिफिट्स थे, उन्होंने किस तरीके से चीज़ों को अरेंज किया था, प्रिमिटिव फॉर्म्स को और एडवांस फॉर्म को किस तरीके से उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था, कितनी लंबी एक लंबा जो है कि काफ़ी विस्तृत जो है इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। मोस्टली जो है कि हमारी कंट्री में या फिर जहाँ पे भी हर्बेरियम वगैरह बनती है तो एक पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसका इसी क्लासिफिकेशन का अभी भी यूज़ किया जाता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर देंगे, चैनल पर सारी चीज़ें अपलोडेड हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, डिफरेंस बिटवीन मालवेशी एंड रुटेसी फैमिली या फिर एपीएससी या फिर फैबेसी फैमिली। आपको मालवेशी फैमिली जैसे गुड़हल की फैमिली है, रुटेसी या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये नींबू वाली फैमिली है, इसकी दोनों की वीडियो चैनल पे अपलोडेड है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एपीएससी फैमिली जिसे हम लोग अम्बीली फैरी फैमिली भी कहते हैं, जो कि मेनली मसालों की फैमिली होती है जिसमें जीरा वगैरह आते हैं, उस फैमिली के बारे में पढ़ना है, या फिर फैबेसी फैमिली जो दालों की फैमिली होती है आपको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना है, तो इनमें से किसी एक के बारे में आपको डिफरेंस डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट में क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको ई फ्लोरा के बारे में बताना है। ई फ्लोरा का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लोरा या फिर जो है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को पुट अप करके अपने डिज़ायर के अनुसार जो है कि आप क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना कि किस तरीके से हम लोग जियोग्राफिकल आइसोलेशन जियोग्राफिकल सिस्टम का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए अपने फ्लोरा को या फिर टेक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसी तरीके से ई फ्लोरा भी एक प्रकार का जो है कि एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम लोग न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को काफ़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग लीजिएगा। नेक्स्ट में क्या है कि आपको प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप के बारे में और बॉन्साई के बारे में बताना है, तो बॉन्साई के बारे में मैंने यहाँ पर फिगर आउट किया है। बॉन्साई क्या होता है कि जो हमने हमारे यहाँ जो लंबे लंबे बरगद और पीपल वगैरह के प्लांट होते हैं, उन प्लांट को इस तरीके से छोटे छोटे कटिंग करके उसको इस तरीके से मॉडिफाई करके उसको कन्वर्ट किया जाता है कि वो प्लांट तो बिल्कुल छोटे से होते हैं, गमले में लगे होते हैं, लेकिन उनका अपीयरेंस देख के लगता है कि काफ़ी ये बड़े प्लांट हैं। ये प्लांट जो है ये गमले में लगा हुआ एक प्लांट है और देख के ऐसा लग रहा है कि ये प्लांट जो है वो बहुत बड़ा प्लांट है। देखिए यहाँ पर ये गमले में लगा है, इस तरीके से इसकी अपीयरेंस है, इस तरीके से इसको काट उट के बनाया जाता है, तो ये जो आर्ट होता है, ये जो प्लांट को मेकिंग का आर्ट होता है वो कहलाता है बॉन्साई कहलाता है, तो इसके बारे में आपको लास्ट यूनिट में पढ़ने को मिलेगा। लास्ट में क्या है, ये वीडियो चैनल पे अपलोडेड है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में, इस पर देखिए शॉर्ट नोट लिखने के लिए आया है और इस वीडियो को मैंने बहुत अच्छी तरीके से, इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से मैंने चैनल पर समझाया है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। लास्ट में क्या है, काउंट ऑफ द नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ, जो हमारे लखनऊ में नेशनल बॉटनिकल गार्डन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आपको क्या करना है, फैमिली सोलेनेशी के बारे में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देने की, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, फ्लोरा कैरेक्टर कैसा है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका जो है सेक्शन बी कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन सी में आपको क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, इन चारों क्वेश्चन में से आपको कोई दो क्वेश्चन करने, व्हाट इज द हर्बेरियम जो कि चैनल पर अपलोडेड है और किस तरीके से आप हर्बेरियम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये चीज़ों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट में क्या दिया है कि साइलेंट फीचर कुकुरबिटेसी फैमिली का, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताना है। देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी अगर इकोनॉमिक मतलब कि आपको कोई भी फैमिली पूछती है तो उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले प्लांट के बारे में आपको जरूर याद रखना है और आप उसको जरूर लिख के आना है, इससे नंबर जो है कंप्लीट मिलते हैं। अगर आपने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले प्लांट के बारे में नहीं लिखा है तो कहीं ना कहीं नंबर जो है वो कट जाते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में और प्रिंसिपल ऑफ फाइलोजेनी के बारे में बताना है। उसके बाद डिटेल अबाउट फेनेटिक्स के बारे में बताना है कि व्हाट इज द डिटेल फेनेटिक्स क्या होता है, किस तरीके से फाइलोजेनी का यूज करके हम लोग चीज बताते हैं कि कौन से स्पीसीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्या उनमें रिलेशन है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना है। तो इसी के साथ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। आई होप कि यहाँ पे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है। अगर आपके यहाँ भी थ्योरेटिकल एग्जाम होने वाला है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और कोई ये नहीं सोचेगा कि ये हमारी यूनिवर्सिटी का नहीं तो हमको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि पेपर सेट करने वाले जो टीचर्स होते हैं उनका माइंड सेट कहीं ना कहीं मैच करता है और जो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वहीं से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं और आप सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं तैयार करेंगे जो कि यहाँ पर दिया गया है, आप उस क्वेश्चन से मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको भी प्रिपेयर करके जाएंगे। और इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला, इट्स माय होप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।